ये जो व्लॉग है ये मैं अनस्क्रिप्टेड बना रहा हूँ। मैंने इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। अभी जस्ट मैं कुछ दिन पहले मुंबई जाके आया हूँ, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिप थी, अचानक से सडनली प्लानिंग हुई उस ट्रिप की, क्योंकि बुआ और यहाँ रखे थे मुंबई। मेरे एक बुआ मुंबई रहते हैं ना, तो उनकी छोटी बहन वहाँ रखे थे, यानी मेरे बुआ ही आ रखे थे। तो उन लोगों ने बोला कि आ जा, हम लोग आ रखे हैं, घूम लेते हैं। तो चला गया, ठीक है। और शाम को मैं गया शॉपिंग वगैरह करके। तो भाई लोगों, क्या हाल चाल है सबके, ठीक है। हम लोग मैं ये बताने वाला था, ये व्लॉग काफ़ी दिन बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि हर व्लॉग ही मैं काफ़ी दिन के बाद कंटिन्यू करता हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो अभी हम लोग आ रखे हैं मैकडोनल्ड्स में, ईवा मॉल में आ रखे हैं, और अभी शॉपिंग वगैरह करके हैं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मुंबई। हाँ, अच्छा, अचानक से ही खड़े पैर ट्रिप बन गई अपनी, क्योंकि सैटरडे संडे और मंडे की अपनी छुट्टी है, निकल लेंगे। अपना क्या है, बुआ आ रखे हैं, बुआ बुआ औरों के साथ पास जा रहा हूँ मैं। बुआ मुंबई रहते हैं ना मेरे एक, तो वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाके अब देखते हैं। फिलहाल तो ऑर्डर करा है मैकडोनल्ड्स में से। फूफा जी की छुट्टी है, तो शायद किसी प्रोडक्टिव जगह लग जाए। अपने को क्या है, अपने को मुंबई जाना है, एक बार मुंबई जाके आना है। ये तो हो जाएगा कि हाँ, हम मुंबई गए हुए हैं। यही नहीं होगा कि मुंबई नहीं देखा हमने आज तक। अभी फ़िलहाल तो ट्रेन की टिकट करवाई थी तत्काल में, पर लेकिन हो नहीं पाई, चार्ट प्रिपेयर हो गया। आज रात को 10:30 की ट्रेन है, और मैं अभी शॉपिंग कर रहा हूँ। अभी सिर्फ 3 शर्ट्स ही ली हैं मैंने, शॉर्ट्स लेने हैं। शॉर्ट्स मिली नहीं यार, कोई अच्छी ढंग की कोई शॉर्ट्स ही नहीं मिली यहाँ पे ईवा मॉल में। हम लोग अभी यहाँ पे स्निच में भी गए, स्निच में भी मिला ही नहीं, कुछ ही नहीं मिला स्निच में। अगर सोल्ड स्टोर होता ना, सोल्ड स्टोर में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती अपने को, और थोड़ा बजट प्राइस में भी मिल जाती, बजट में भी मिल जाती, क्या बोल रहे हैं बताइए। चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल तो खाना आ रहा है, खाना आने के बाद फिर मिलते हैं। हम सीधा घर जाके पैकिंग वगैरह भी करनी है, तैयारी भी करनी है, और अगले 2 दिन तो हम मुंबई में होने वाले हैं। तो दिखाते हैं क्या करेंगे। लैपटॉप वगैरह नहीं साथ लेके जाने वाला मैं, क्योंकि वहाँ पे व्लॉग वगैरह एडिट करना नहीं है मेरे को, घर पे आके ही करूँगा। तो मतलब ये तुम्हें 3-4 दिन के बाद ही देखने को मिलेगा व्लॉग। इस क्लिप के बाद मैं कुछ शूट नहीं करा ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में एक तो मेरे को थोड़ी बहुत नींद भी आ रही थी, थोड़ा बिजी भी था काम में, और फ़ोन की बैटरी भी डाउन थी, पावर बैंक भी डाउन था। जनरल में गया था मैं, क्योंकि मेरी ट्रेन की बुकिंग नहीं हो पाई थी तत्काल में भी तो, पर लेकिन फिर भी जनरल में खाली था, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आराम से बैठ के गए थे जनरल में। जी तो हम मुंबई आ चुके हैं, ये मीट माई बुआ। नहीं नहीं लोग है अपना। हाँ तो क्या बोला मैं, मुंबई आ चुके हैं अभी। आके रास्ते में ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं, क्योंकि फ़ोन की बैटरी नहीं थी इतनी, और ये भी बंद था पावर बैंक अपना। तो आके डायरेक्ट आके सुबह 6 बजे पहुंच गया था, और आगे सो गया। उठ के अब मुंबई दर्शन के लिए रेडी हो रहे हैं, फूफा जी के साथ जाएंगे, सारी फैमिली जा रही है मतलब। तो जाके मुंबई दर्शन व्लॉग में भी कराएंगे, खुद भी करेंगे। चलो फिर अभी बाद में कंटिन्यू। फिर हम डायरेक्ट निकल गए थे करजत को, क्योंकि वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, और साथ में जो सी व्यूज थे वहाँ के वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। द प्लेट रेस्टोरेंट का नाम था, बहुत अच्छा था, प्योर वेज रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पे जब हम गए, वहाँ पे मैंने टाइम लैप्स लगा दिए थे, ये तुम लोग टाइम लैप्स देख लोगे, ठीक है। ये रास्ते के भी तुम लोग अभी टाइम लैप्स देख रहे हो, देख के आए होगे, तो इसके बाद देख ही रहे हो तुम, रास्ते के भी टाइम लैप्स देख रहे हो तुम लोग। वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट में जाके भी टाइम लैप्स लगा दिए थे मैंने, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, ठीक है। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में था, पर अच्छा था। हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किया वहाँ पे। मैं एज यू ऑल नो, मैं इतना फोटोजेनिक नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं क्लिक करी अपनी, ना ही करने दी किसी को। और फिर मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे शूट करा, यहाँ पे खाना खा के हम लोग ऊपर चले गए, पीछे गोल्फ कोर्स था, मैंने गोल्फ कोर्स का भी ये थोड़ा बहुत शूट करा है। तो इसके बाद फिर बाद में हम बाहर निकले। देखो हम लोग आ गए मुंबई से 1 घंटा दूर, फिर यहाँ पे खाना खाने हमारी बुआ जी की फरमाइश पे करजत। हाँ करजत, तो यहाँ पे अभी खाना खाया, अभी थोड़ा देखा ही होगा तुम लोगों ने लास्ट क्लिप में, ये जो कट करके डाल दूँ मैं। इट्स सच अ नाइस प्लेस, प्योर वेज।
प्लेट, द प्लेट नाम है रेस्टोरेंट का। बाहर निकलने के बाद वापसी में हम लोग अटल सेतु से होते हुए जा रहे थे, ठीक है, पर अटल सेतु बारिश की वजह से इतना वो रखा था, तो कुछ साइड पे ग्रिल्स लगा रखी है ना, क्योंकि आजकल लोग सुसाइड स्पॉट बना रहे हैं अटल सेतु को, तो उससे बचाने के लिए वहाँ पे ग्रिल्स वगैरह बहुत लगा रखी है। और बारिश इतनी हो रही थी कि वहाँ पे रुकना ही पॉसिबल नहीं था, वैसे भी शायद अटल सेतु पे रुकना मना है, और बारिश इतनी हो रही थी कि सामने बंदे को कुछ दिखाई ना दे, ऐसी बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश, ठीक है। फर्स्ट डे में तो हमने सिर्फ यही किया क्योंकि ज़्यादा घूम ही नहीं पाए, आते आते ही बहुत लेट हो गया था हमें। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकले बॉम्बे दर्शन पे, साउथ बॉम्बे घूमा हम लोगों ने। हम पहले ये जो सबसे पहला वो था, क्या बोलते हैं उसको, थिएटर, ये देखा हमने, वहाँ पे भीड़ लग रखी थी क्योंकि वो थिएटर अभी भी वर्किंग में है। उसके बाद फिर हम लोग गए गेटवे ऑफ इंडिया, इतनी बारिश हो रही थी और बाहर निकले बारिश रुकी हुई थी, ठीक है, हम लोग गाड़ी से उतरे बाहर निकले, निकलते ही जो बारिश शुरू हुई ना, फिर हम लोग छाता लेके जल्दी में गाड़ी के जल्दी से गाड़ी में बैठे, फिर मैंने गाड़ी में से ही वीडियो रिकॉर्ड कर ली, ज़्यादा हमने किया ही नहीं। फिर हम गेटवे ऑफ इंडिया के बाद हम लोग गए थे मरीन ड्राइव, वो मरीन ड्राइव पे थे, वहाँ पे हमने देखा कि ये जहाँ पे मुन्ना भाई की शूटिंग हुई थी ना, मुन्ना भाई MBBS की, जहाँ पे उनको कॉल आ रहा होता है मुन्ना भाई को इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो उस स्पॉट पे गए थे। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए आगे की तरफ, वहाँ से हम लोग सी लिंक पे गए। फिर हम लोग गए BKC बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे मतलब काइंड ऑफ साइबर सिटी ही है, जैसे दिल्ली में DLF वगैरह है, वैसे यहाँ पे BKC है। वहाँ पे हम लोग गए जियो वर्ल्ड प्लाजा में, ठीक है, वहाँ पे चल रहा था तो इसलिए हम वहाँ पे कल्चरल सेंटर इतना घूम नहीं पाए, थोड़े बहुत ही क्लिप्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए, बस फिर इतना ही था अपना ट्रिप, क्योंकि मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी, मेरे को लगा कि छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, पर लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो ऐसे बाढ़ के हालात हो रखे थे ना, पहले तो मैं 2 घंटे रेलवे स्टेशन पे ही फंसा रहा, ऑटो वाले यहाँ आने के 1000 रुपये मांग रहे थे, सिर्फ 6-7 किलोमीटर के 1000 रुपये, क्योंकि पानी भर रखा था हर जगह, बसेस वगैरह भी ठप हो रखी थी, बस सर्विस वगैरह। ये घर आने के 2 दिन बाद शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सोचा कि आज अपलोड कर देते हैं यार एडिट करके, तो अभी इस वीडियो को निकाल के अब डायरेक्ट लैपटॉप में जाएगी और फिर इसको हम करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद ट्राई करूँगा कि आज शाम तक ही मैं अपलोड कर दूँ, अगर आज शाम तक नहीं हुआ तो कल सुबह 11 बजे लाइव हो जाएगा ये व्लॉग। तो बस इस व्लॉग में इतना ही था, फिर मीट यू इन द नेक्स्ट वन। और अगर तुम लोग नए हो इस चैनल पे, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो यार जाके लाइक बटन ठोको और सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना साथ में, ताकि जब भी मैं कोई नया व्लॉग अपलोड करूँ तो मैं उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।